हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आई एम शुभम गोस्वामी एंड आप सभी का स्वागत है हिंदी के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम हिंदी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट निबंध को पढ़ेंगे जो कि है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। देखिए, ये निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है और इस बार जो 2023 बोर्ड एग्जाम आपको देना है उसमें ये निबंध पूछा जा सकता है क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट निबंध है आपके हिंदी का। ठीक है, तो अगर आप भी निबंध का जो मार्क है उसको क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके डेली लाइफ के लिए भी। देखिए, हमें अपने पर्यावरण में जो पर्यावरण प्रदूषण है उसे मिटाना है और अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है। ठीक है, यही हमारा अभियान है। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। सबसे पहले इस वीडियो को आप कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ये वीडियो और भी लोगों के पास पहुंचे और वो भी इसके प्रति जागरूक हो सकें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। बोर्ड एग्जाम में आपको किस प्रकार से हेडिंग डालना है, कितना हेडिंग आपको डालना है, कैसे लिखना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सेम अगर आप ऐसे लिखकर आएंगे आपको निबंध के पूरे नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला जो आपका हेडिंग होगा वो क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, ये आपको सबसे टॉप पर हेडिंग डालना है अपनी कॉपी में। ठीक है, जब आप इस पर निबंध लिखना स्टार्ट करें उसके बाद में नीचे आपको एक हेडिंग डालना है प्रस्तावना। किसी भी निबंध को अगर आप लिख रहे हैं तो सबसे पहला हेडिंग आपका प्रस्तावना होना चाहिए। ठीक है, इसमें हमें लिखना क्या होता है, देखिए, जो हमें चारों ओर से प्रवृत्त किए हुए है वही हमारा पर्यावरण है। यानी कि जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है वही तो हमारा पर्यावरण है, वही हमारा एनवायरमेंट है, हम लोग उसी में रहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण से हमें किस प्रकार से हानियां हैं सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, आप कैसे इसको बचा सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण से कैसे आप बच सकते हैं। ठीक है, देखिए, इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता आज की प्रमुख आवश्यकता है। यानी कि हमें अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना चाहिए क्योंकि हमें पर्यावरण प्रदूषण को जड़ से मिटाना है और अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है। ठीक है, क्योंकि यह प्रदूषित हो रहा है, हमारा पर्यावरण जो है वो आज प्रदूषित हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। प्रदूषण की समस्या प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के लिए अज्ञात थी। यानी कि प्राचीन काल में और मध्यकालीन भारत में जो पर्यावरण की समस्या थी वो ना के बराबर थी, यानी कि नहीं थी, किसी को ज्ञात ही नहीं था कि पर्यावरण प्रदूषित हो सकता है। ठीक है, लेकिन आज बहुत बड़े बड़े कारखाने, गाड़ियां, मोटर चल रही हैं जिसके कारण पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो रहा है। आगे देखिए, यह वर्तमान युग में हुई औद्योगिक प्रगति एवं शस्त्रास्त्रों के निर्माण के फलस्वरूप हुई है। यानी कि जो टेक्नोलॉजी आज की आ रही है, औद्योगिक जो हमारा विकास हो रहा है उसके, और जो अस्त्र शस्त्र बन रहे हैं जैसे एटम बम, परमाणु बम, गन, ठीक है, ये सब हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। आगे देखिए क्या है, ध्वनि प्रदूषण पर अपने विचार व्यक्त करते हुए नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट कोच ने कहा था, एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु, यानी कि हमारे स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में निर्दयी शोर से संघर्ष करना पड़ सकता है कि वह दुखद दिन अब आ गया है। यानी कि ये जो नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट कोच हैं, इन्होंने बताया कि ध्वनि प्रदूषण एक बहुत ही विकट समस्या हमारे आगे आने वाली है। ठीक है, तो क्या कहा, ध्वनि प्रदूषण पर अपने विचार व्यक्त करते हुए नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट कोच ने कहा था, एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में निर्दयी शोर से संघर्ष करना पड़ेगा। यानी कि नॉइज जो है, जैसे आज डीजे बजते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे नॉइज होता है, ठीक है, शोर होते हैं, वो हमारे कानों पर इफेक्ट करते हैं, तो वही रॉबर्ट कोच जी ने कहा था। ठीक है, तो आपको प्रस्तावना में कुछ इस प्रकार से लिखना होता है। ठीक है, प्रस्तावना में आपको ऐसे ही लिखना होगा। अब आगे का हेडिंग हमारा क्या होगा, अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा वो होगा प्रदूषण का अर्थ, यानी कि प्रदूषण का अर्थ क्या है। ठीक है, प्रस्तावना के बाद आपको बताना है कि आखिर प्रदूषण है क्या, व्हाट इज पॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। यानी कि अगर हमारा वातावरण स्वच्छ होगा तो हम लोग हेल्दी रहेंगे, हमारे जीवन का विकास उसी में संभव है। ठीक है, आगे देखिए, पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया, यानी कि पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के लिए अनुकूल होता है, यानी कि जो प्रकृति द्वारा पर्यावरण है वही जीवधारियों के लिए अनुकूल है। ठीक है, तो हम पेड़ पौधे लगाते हैं वो बहुत ही ज्यादा लाभदायक होते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं अगर आपको पर्यावरण को अपने बचाना है, पर्यावरण प्रदूषण से बचना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ठीक है,
समझ में आ गया। आगे देखिए, जनसंख्या की असाधारण वृद्धि एवं औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है और आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि इससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण से हम किस प्रकार से बच सकते हैं? सबसे पहले हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, इससे हम बच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जनसंख्या की असाधारण वृद्धि, यानी कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो भी प्रदूषण बढ़ेगा। आप लोग कहेंगे सर कैसे? देखिए, अगर जनसंख्या बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा जगह हमें चाहिए रहने के लिए, घर बसाने के लिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पेड़ पौधों जंगलों को काटेंगे। तो पेड़ पौधों को काटेंगे तो पर्यावरण प्रदूषित होगा। इसीलिए अगर आप जनसंख्या पर कंट्रोल रखेंगे, जनसंख्या वृद्धि की समस्या भी पर्यावरण प्रदूषण का एक मेन कारण है, क्योंकि जितना ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगा उतना ज्यादा स्थान कम पड़ेगा, पेड़ पौधों को काटना पड़ेगा और पर्यावरण हमारा प्रदूषित होगा। तो जनसंख्या की असाधारण वृद्धि एवं औद्योगिक प्रगति ने भी पर्यावरण प्रदूषण को जन्म दिया है। तो प्रदूषण के अर्थ में आपको इतना लिखना है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, ठीक है, क्या है। अब देखिए, हमारा दूसरा हेडिंग होगा प्रदूषण के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, कैसे होते हैं, सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे कि आखिर वायु प्रदूषण से हमें क्या नुकसान है, कौन कौन से रोग हो सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण से क्या हो सकते हैं, सब कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है, देखिए, आज के वातावरण में प्रदूषण निम्नलिखित रूपों में दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहला आपका है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण का मतलब जो हमारा एयर पॉल्यूशन है, ठीक है, वायु प्रदूषित हो रहा। देखिए, वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है, यानी कि वायु जो है ये जीवन का सबसे अनिवार्य स्रोत है। हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं? उसी कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कितना ज्यादा फायदा है, जो ऑक्सीजन हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं सांस लेने के लिए, वो ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं पेड़ पौधे और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। देखिए, प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ के रूप का जीवन जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, जिस कारण वायुमंडल में इसका विशेष अनुपात होना आवश्यक है। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि वायु जीवन का सबसे अनिवार्य स्रोत है और प्रत्येक प्राणी को जीवन जीने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। आज बहुत सारे गाड़ी मोटर चलते हैं, कार चलते हैं, बस ट्रक, ठीक है, इनसे क्या होते हैं, धुएं जो निकलते हैं वो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, ठीक है। जब वायु को वो प्रदूषित करेंगे, जैसे दिल्ली में या किसी और राज्य में कितना ज्यादा प्रदूषण होता है, क्यों होता है, क्योंकि वहां पर गाड़ियां चलती हैं, ठीक है, तो उसका प्रदूषण इसीलिए वहां पर ज्यादा होता है। तो इसका प्रदूषण जो हमारा वायु है, इसका विशेष अनुपात हमारे वायुमंडल में होना चाहिए, तभी हम शुद्ध वायु ऑक्सीजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इतनी चीजें समझ में आई वायु प्रदूषण के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक एक हेडिंग आपको जो मैं बता रहा हूं सभी डालना, ये भी वायु प्रदूषण में ही है। देखिए, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। देखिए, जो चीज हम छोड़ देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, वो चीज पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। जो चीज हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, वो चीज पेड़ पौधे हमें देते हैं, ठीक है। यानी कि जो हम छोड़ते हैं वो ग्रहण करते हैं और जो हम सांस लेते हैं वो पेड़ पौधे हमें देते हैं। तो आखिर पेड़ पौधे हम क्यों ना लगाएं? तो आज ही जागरूक हो जाइए और कमेंट करके बताइए कि अब तक आपने कितने पेड़ पौधे लगाए हैं, ठीक है। सबसे पहला, आगे देखिए, कोयला, तेल, धातु कणों तथा कारखानों की चिमनियों के धुएं से हवा में अनेक हानिकारक गैसें भर गई हैं, जो प्राचीन इमारतों, वस्त्रों, धातुओं तथा मनुष्यों के फेफड़े के लिए अत्यंत हानिकारक है। देखिए, कोयला, तेल, धातु कणों तथा कारखाने जो आज बड़े बड़े बन गए हैं, ठीक है, पहले क्या कर होता था, आदमी लोग काम करते थे, अब मशीनें आ गई हैं, वो काम कर रही हैं, तो वो तो प्रदूषण करेंगे ही, ठीक है। तो कारखानों की चिमनियों के धुएं से हवा में अनेक हानिकारक गैसें भर गई हैं, जो प्राचीन इमारतों, जो पुराने इमारत हैं, उनको भी वो प्रदूषित कर रही हैं, उनका कलर बदलता जा रहा है। धातुओं तथा मनुष्यों के फेफड़ों के लिए अत्यंत हानिकारक है, जो हमारे फेफड़े हैं उनके लिए भी ये सब वायु हानिकारक है, जो प्रदूषित वायु है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। देखिए, दूसरा हमारा है जल प्रदूषण। अब देखिए, वायु के बाद जो सबसे अनिवार्य स्रोत हमारे लिए है, सबसे अनिवार्य चीज है, वो है जल। अगर आप जल, पानी नहीं पिएंगे तो भी आप ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। पहला अनिवार्य स्रोत वायु है, दूसरा जल ही है, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने
जल स्रोत पर। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है आपका, जीवन के अनिवार्य स्रोत के रूप में वायु के बाद प्रथम आवश्यकता जल की होती है, यानी कि हवा के बाद, ऑक्सीजन के बाद, वायु के बाद प्रथम आवश्यकता हमें जल की होती है, वाटर की होती है। ठीक है, जल को जीवन कहा जाता है, जल ही हमारा जीवन है। ठीक है, जल का शुद्ध होना स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, यानी कि जब तक जल शुद्ध नहीं मिलेगा हमें अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी, लेकिन जल का शुद्ध होना हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। देखिए, देश के प्रमुख नगरों के जल का स्रोत हमारी सदा नीरा नदियां हैं, फिर भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले तथा सीवरों को नदियों में जोड़ दिया जाता है, नदियों से जोड़ दिया जाता है, यानी कि जो जल का सबसे अच्छा स्रोत है वो हमारी सदा नीरा नदियां हैं, यानी कि जो बड़ी बड़ी हमारी नदियां हैं। लेकिन होता क्या है, बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, जो गंदे नाले के पानी हैं, जो सीवर के पानी हैं, ठीक है, उनको उन्हीं नदियों में छोड़ दिया जाता है, तो वो हमारे लिए हानिकारक हो जाती हैं। ठीक है, तो यही चीजें हमें, इसी चीजों के प्रति जागरूक रहना है, ठीक है, तभी हम पर्यावरण प्रदूषण से बच सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम थोड़ा और देखेंगे जल प्रदूषण में, विभिन्न औद्योगिक व घरेलू स्रोतों से नदियों व अन्य जल स्रोतों में दिनों दिन प्रदूषण पनपता जा रहा है। प्लास्टिक की थैलियां, तैलीय पदार्थ तथा कृषि कार्यों में होने वाले कीटनाशक तथा रासायनिक उर्वरकों के जल प्रयुक्त में मिलने से भी जल प्रदूषण बढ़ता है, यानी कि विभिन्न औद्योगिक व घरेलू स्रोतों से नदियां व अन्य जल स्रोतों में दिनों दिन प्रदूषण पनपता जा रहा है। जो प्लास्टिक की थैलियां हैं, तैलीय पदार्थ हैं, जो कृषि में, एग्रीकल्चर में यूज किए जाने वाले जो केमिकल्स हैं, जो रासायनिक उर्वरक हैं, वो भी हानिकारक हैं। क्यों? क्योंकि कोई मान लीजिए कोई खेत है, उसमें आपने रासायनिक उर्वरक डाला, खाद डाला, अब क्या हुआ, पानी आया, वो खाद बहकर नदियों में चला गया, वो हमारे तक आएंगी और हम लोग प्रदूषित पानी पिएंगे। तो इन सब चीजों से बचना है। जो प्लास्टिक की थैलियां हैं, तैलीय पदार्थ हैं, कृषि कार्य में होने वाले कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक हैं, उनके जल प्रयुक्त में मिलने से भी जल प्रदूषण बढ़ता है। अगर जल के संसाधन में वो मिल जाएंगे, हम ऊपर हमारा जल प्रदूषित हो जाएगा। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान देना है। ठीक है, देसी खाद यूज कीजिए आप अपने उसमें, खेती में उसको भी यूज कीजिए, लेकिन कम मात्रा में। ठीक है, प्लास्टिक की थैलियां बहुत कम यूज कीजिए, प्लास्टिक की चीजें बहुत ज्यादा प्रदूषण करती हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है ध्वनि प्रदूषण, साउंड पॉल्यूशन। ये क्या है, देखिए, ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। ठीक है, आज की एक नया प्रॉब्लम है ध्वनि प्रदूषण। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि से श्रवण शक्ति का ह्रास होता है और इसके साथ साथ ही कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि वैज्ञानिकों ने बहुत सारी ऐसी चीजों की खोज की, जैसे मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें, लाउड स्पीकर, इन सबको बनाने से ध्वनि प्रदूषण बढ़ा है। ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण हमारे जो श्रवण शक्ति है, जो हमारी सुनने की क्षमता है, उस पर भी प्रभाव डालता है, और जो हमारे कार्य करने की क्षमता है, उस पर भी ध्वनि प्रदूषण प्रभाव डालता है। तो ध्वनि प्रदूषण से आप इस प्रकार से प्रदूषित हो सकते हैं। ये सब इसके स्रोत दिए गए हैं, मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें, लाउड स्पीकर, इन सबके द्वारा ध्वनि प्रदूषण फैलता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो ये ध्वनि प्रदूषण के बारे में था। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपना देखते हैं। देखिए, चौथा है रेडियो धर्मी प्रदूषण। ये क्या होता है, रेडियो धर्मी पॉल्यूशन। आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है, परमाणु परीक्षण निरंतर होते ही रहते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा और नागासाकी की में जो परमाणु बम गिराए गए थे, उनमें लाखों लोग अपंग हो गए थे और अपने आने वाली पीढ़ी भी इससे हानिकारक प्रभाव से अभी भी खुद को नहीं बचा पाई। यानी कि एक हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया था जापान में, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिरा दिया था। अब परमाणु बम किसने बनाया, मनुष्यों ने ही बनाया। अब मनुष्यों ने बनाया तो ये कितना ज्यादा हानिकारक है। परमाणु बम गिराया गया, वहां पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई और आज भी जो उनके अगली पीढ़ी है वो सभी लोग अपंग पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि परमाणु बम गिराने से वहां के लोगों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, वहां की पर्यावरण पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा और उसी का नतीजा है जो आज वहां के लोग अब भी अपंग पैदा होते हैं। ठीक है, लूले लंगड़े। तो इस प्रकार से जो ये खोज हुई और इस प्रकार से जो इसमें हुआ, यही रेडियो धर्मी प्रदूषण है। यानी कि जो अस्त्र शस्त्र खोजे गए बड़े बड़े, उन सबके कारण रेडियो धर्मी प्रदूषण फैलता है। ठीक है, तो ये टॉपिक आप लिख लीजिएगा, सब कुछ नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए,
अगला हमारा था रासायनिक प्रदूषण। इसमें क्या है, वही वाला कारखानों से बहते हुए अवशिष्ट द्रव्यों के अतिरिक्त उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयों और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कि कारखानों से जो बहते हुए अपशिष्ट द्रव्य हैं, ठीक है, और जो हमारे कृषि में यूज की जाने वाली कीटनाशक दवाई, रासायनिक खाद, ये सभी हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, हमारे स्वास्थ्य को ये लोग प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों से भी बच के रहना है, हम लोगों को रासायनिक प्रदूषण नहीं फैलाना है। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, इसलिए कई प्रकार से हमें बचना होगा, ठीक है। आगे देखिए, हमें और कुछ चीजें समझनी है। देखिए यहां पर अब हम बात करते हैं प्रदूषण की समस्या और समाधान एवं उससे हानियां, यानी कि प्रदूषण की समस्या और उससे क्या हानियां है। देखिए, निरंतर बढ़ती जब हुई जनसंख्या, रेगिस्तान का बढ़ते जाना, रेगिस्तान क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पेड़ पौधे कट रहे हैं, वहां पर रेगिस्तान हो जा रहा है, ठीक है। भूमि का कटाव, ओजोन की परत का सिकुड़ना, धरती के तापमान में वृद्धि, वनों के विनाश तथा औद्योगिकीकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। कारखानों के धुएं से, विषैले कचरे के बहाव से तथा जहरीली गैसों के रिसाव से आज मानव जीवन समस्याग्रस्त हो गया है। यानी कि देखिए क्या क्या कहा गया, ध्यान दीजिए, निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, जो हमारी जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ रही है, उससे भी हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। देखिए, जो उसके कटाव हो रहे हैं पेड़ पौधों के, रेगिस्तान बढ़ रहा है, भूमि का कटाव हो रहा है, ओजोन की परत का सिकुड़ना, ओजोन की परत सिकुड़ रही है। ये क्यों सिकुड़ती है, जब हमारा पर्यावरण ज्यादा प्रदूषित होगा, ओजोन परत जो हमारा है वो सिकुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर यह भी दिक्कत है, धरती के तापमान में वृद्धि भी हो रही है, जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे, मान लीजिए धूप है बहुत तेज, आप कहीं पर फंसे हुए हैं तो क्या करेंगे आप, पेड़ पौधे होंगे वो उसके नीचे छांव में बैठेंगे, तो जब आप पेड़ पौधे ही काट देंगे, समझ लीजिए आप अपना ही हाथ काट रहे हैं। इसीलिए अगर आप एक पेड़ को काटिए तो 10 पेड़ को लगाइए, ठीक है, वो भी सूखा पेड़ काटिए, अगर सूखा हो तब। यानी कि पेड़ आप मत काटें, पेड़ को लगाएं, तभी आप अपने पर्यावरण प्रदूषण से बच सकते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग भी हमारे देश में पड़े हैं जो पेड़ लगाने का रिकॉर्ड भी बना चुके हैं, उनको राष्ट्रपति जी सम्मानित भी कर चुके हैं, तो उनकी तरह आप बनिए, ठीक है। आगे देखिए क्या है, वनों के विनाश तथा औद्योगिकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। कारखानों के धुएं से, विषैले कचरे के बहाव से, जहरीली गैसों के रिसाव से आज मानव जीवन समस्याग्रस्त हो गया है, ठीक है। तो इन सब चीजों से आपको बचना है, जो मैं कह रहा हूं आपको वो करना है। ये लिखने के लिए ही नहीं है कि आप बोर्ड एग्जाम में तो आपको लिखना ही है, ठीक है, आपको नंबर तो मिलेगा, लेकिन इनसे आपको सीखिए अपने डेली लाइफ में, क्योंकि आप भी इसी पर्यावरण में रह रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, चलिए आगे देखते हैं हम। अब स्टूडेंट आगे देखिए क्या है हमारा, आगे है थोड़ा सा और इसी में जानते हैं कि पर्यावरण जो हमारा हानिया है, वायु प्रदूषण का गंभीर प्रतिकूल प्रभाव मनुष्य एवं अन्य प्राणियों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। सिर दर्द, आंखें दुखना, खांसी, दमा, हृदय रोग आदि किसी ना किसी रूप में वायु प्रदूषण से जुड़े हुए हैं। प्रदूषित जल के सेवन से, मुख्य रूप से जल लिख दीजिएगा यहाँ, ठीक है, मुख्य रूप से पाचन तंत्र संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण शारीरिक और मानसिक तनाव बढ़ता है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, आपको जो प्रदूषण है उनसे हानियां बताई जा रही है। मैंने बताया पर्यावरण प्रदूषण से होने वाली हानियां, तो वायु प्रदूषण से हमें क्या होगा, सिर दर्द, आंखें दुखना, खांसी, दमा, हृदय रोग, ठीक है, ये सब हमारे वायु प्रदूषण से होंगे। प्रदूषित जल, अगर आप जल का सेवन करते हैं तो आपको पाचन तंत्र संबंधी रोग हो जाते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा है, ठीक है। अगर आप ध्वनि प्रदूषण से पीड़ित हैं तो आपको शारीरिक और मानसिक तनाव हो सकता है। तो इन सब चीजों से आपको बचना है, ठीक है, ये सब चीजें आप नोट कर लीजिए, ये सब होने वाली हानियां हैं ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण से। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए ये हमारा समस्या और समाधान, अगला हेडिंग है समस्या तथा समाधान, हम इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। देखिए, वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है, यानी कि वृक्षारोपण आपको जरूर करना है, वृक्ष लगाएं, पर्यावरण प्रदूषण को मिटाएं, ठीक है, तो ये आपका होना चाहिए। आगे देखिए, वायु प्रदूषण से बचने के लिए हर प्रकार की गंदगी एवं कचरे को विविधता समाप्त करने के उपाय निरंतर किए जाने चाहिए। जल प्रदूषण, यहाँ पर जल लिख दीजिएगा, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक संस्थानों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि व्यर्थ पदार्थों एवं जल को उपचारित करके बाहर निकाला जाए तथा इसको जल स्रोतों से मिलने से रोका जाए। यानी कि जो हमारी जल स्रोत हैं, सदा नीर नदियां हैं, उनमें ये सब पानी नहीं जाना चाहिए, व्यर्थ जल, व्यर्थ अपद्रव्य उसमें नहीं जाने चाहिए, तभी हम जल प्रदूषण से बच सकते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें समझ में आ गई, ये सब आपको लिख लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम,
हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखिए। अब नेक्स्ट टॉपिक में आपको एक हेडिंग डालना है प्यारा सा, यहां पर लिखा नहीं है लेकिन आप डालिए, लास्ट में आपको डालना होता है उपसंहार। ठीक है, उपसंहार, उपसंहार में लिखिए क्या लिखिएगा कि हमें पर्यावरण प्रदूषण से बचना है, हमें इसके प्रति जागरूक रहना है, जनसंख्या नियंत्रण हमें रखना है, ठीक है, जनसंख्या को बढ़ने नहीं देना है और ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना है, यही आपको उपसंहार में लिखा है। शायद यहां पर लिखा नहीं है लेकिन आप लोग उपसंहार जरूर लिखिएगा। ठीक है, क्या लिखिएगा कि पर्यावरण प्रदूषण आज की एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, हमें इससे बचने के लिए क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना है, ये सब आप उपसंहार में लिख सकते हैं। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण में तो उपसंहार में आप ये सब लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध अब आप आसानी से लिख लेंगे, जो कुछ मैंने आपको बताया उसके प्रति आप जागरूक रहेंगे। ठीक है, तो पर्यावरण प्रदूषण जो निबंध है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है, तो आपको पर्यावरण प्रदूषण निबंध समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैंने ये सब टॉपिक्स आपको बताए कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, प्रदूषण है क्या, तो ये सब आपको समझ में आ गया। तो ये था आपका पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। ठीक है, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाया, आप लोग जागरूक होइए इसके प्रति। ठीक है, आप अपने डेली लाइफ में ये सब यूज कीजिए और जिस प्रकार से मैंने बताया इस प्रकार से जाके बोर्ड एग्जाम में लिखिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ चुका होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जागरूक हो सकें। ठीक है, और अगर वो 12th में है 10th में है तो वो आसानी से अपनी तैयारी भी कर सकें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।